हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूँ जैस्मिन रोमी और आप देख रहे हैं जैस्मिन रोमी ब्लॉग। तो गाइस आज झारखंड खूंटी यानी कि तोरपा रोड यहाँ पीपल चौक जगह पहुँच गए। यहाँ से आप लोग को दिखाने वाला हूँ पांडू पुंडिंग दिखाने वाला हूँ। तो नया पार्क यहाँ भी बना हुआ है। चलिए यहाँ से हम लोग पीपल चौक यानी तोरपा रोड पीपल चौक है यहाँ पर आप लोग दिखा देता हूँ। यहाँ इस जगह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको दिखा, यहाँ पर देख सकते हैं तोरपा रोड पीपल चौक खूंटी। देखो तो गाइस चलिए पीपल चौक से हम लोग चलते हैं पांडू पुंडिंग चलते हैं जो कि नया नदी पार्क केस क्या है। चलिए हम लोग जानते हैं और किस तरफ से जाता है, चलिए आपको रोड भी बताते जाएंगे और चलिए चलते हैं। तो गाइस तोरपा से हम लोग कमडा मोड़ पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ। इस तरफ से जाना है तो मुड़ू आप इस तरफ से जा सकते हैं और इस तरफ से हम लोग इस तरफ से आए थे, तोरपा का रोड से आए थे। इस तरफ देख सकते हैं ये रोड है तोरपा का, ये जो कार चल गया ये तोरपा रोड है और इस तरफ हम लोग को जाना है अभी तपकरा। और कुछ देर हम लोग कुछ दूरी जाएंगे और तपकरा बाज़ार हम लोग पहुँचेंगे। तपकरा बाज़ार से किस तरफ से जाना है वहाँ भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कमडा मोड़ में एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं रनिया 17 किलोमीटर, तपकरा 1.5 और पेरवाघाट 10 किलोमीटर, जलप्रा 10 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यार या दोस्तों यहाँ तपकरा जाएंगे, तपकरा बाज़ार जाएंगे, वहाँ से फिर आपको कहाँ घुसना है चलिए आपको वहाँ बताते हैं तपकरा पहुँच के। तो चलिए तपकरा चलते हैं, कमडा मोड़ से हम लोग तपकरा बाज़ार जगह पहुंच गए। यहाँ से चलिए आपको यहाँ का बोर्ड दिखाते हैं, बोर्ड वगैरह दिखाते हैं यहाँ पर किस तरफ से जाना है। यहाँ पर आइए, लगाए हुए बोर्ड आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पांडू पुंडिंग जलप्रपात, दूरी 8 किलोमीटर हम लोग को यहाँ से जाना होगा। ये गाइस आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ तपकरा बाज़ार होता है इसी जगह, यहाँ पर 3 रास्ता यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आपको इस तरफ जाना है, यहाँ लेफ्ट साइड से जाना है, इस तरफ देख सकते हैं ये रोड से जाना है। यहाँ पर आपको सीधे नहीं जाना है, यहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट से चलिए चलते इस तरफ देख सकते हैं किसी तरफ। यहाँ पर तीर का पांडू पुंडिंग का यहाँ तीर भी लगाया गया है, इस तरफ जाना है लेफ्ट की साइड से। तो चलिए इसी साइड से हम चलते हैं। यहाँ का आपको एक बार पेरोघा का भी यहाँ पर लिखा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं लगना। तो यहाँ का ये तपकरा बाज़ार जगह से मुड़ना वो तो आप लोगों को पूरा यहाँ पर मैंने बता दिया, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ से चलते आगे चलते, आगे में बहुत सारा रोड मिलने वाला, रास्ता मिलने वाला है। तो सीधे पांडू पुंडिंग तक जाने का रास्ता आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं पांडू पुंडिंग का जल प्राप्त के लिए जल। तो गाइज हम तपकरा से यहाँ पहुँच चुके हैं जो कि यहाँ पर आपको 2 रास्ते मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पेरवाघाट का इस तरफ जाएगा जो कि हम इस तरफ से आते हैं, इस तरफ से ये है तोरपा, इस तपकरा इस तरफ से आना है। आने के बाद आप देख सकते हैं ये रोड है पेरवाघाट, इस तरफ आप लेफ्ट साइड अगर तपकरा तरफ से आइएगा आप लेफ्ट साइड में जाइएगा पेरवाघाट, इस तरफ आप जा सकते हैं पेरवाघाट। फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं पांडू पुंडिंग जाने वाले हैं। तो पांडू पुंडिंग हम लोग देखते हैं किस तरफ से जाना, चलिए आप लोग देखें। यहाँ तपकरा तरफ से आइएगा आप लेफ्ट जाइएगा पेरवाघाट मिलेगा और इस तरफ से राइट जाइएगा आपको यहाँ पांडू पुंडिंग मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का बोर्ड दिखाते हैं आपको, यहाँ पर लगा हुआ देख सकते हैं जोहार पांडू पुंडिंग जल प्रपात ग्राम समिति लोहा जिमी में आपका हार्दिक स्वागत है। देख पा रहे होंगे ये मैंने बोर्ड भी आपको पढ़ के सुना दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो तीर का निशान इस तरफ लगाया गया है। तो तपकरा से हम लोग जैसे आएंगे उस तरह लेफ्ट साइड जाने वाले हम लोग पेरवाघाट जाता है और राइट साइड से हम लोग जाने वाले हैं पांडू पुंडिंग। तो देख सकते हैं, चलिए आप लोग एक बार देख सकते हैं इस जगह मैं गाड़ी से आ चुका हूँ यहाँ। तो गाइस अभी हम जाएंगे राइट और राइट की ओर से यानी कि राइट इस तरफ से जाएंगे पांडू पुंडिंग इस तरफ जाएंगे। तो चलिए पांडू पुंडिंग के लिए अभी हम लोग गाड़ी से जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस पेरवाघाट मोड़ से हम लोग आगे आ चुके हैं जो कि आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इस जगह देख सकते हैं यहाँ पहुँच गया हूँ जो कि पांडू पुंडिंग जगह मैं पहुँच गया। यहाँ तीर का निशान लगाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जोहार पांडू पुंडिंग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहुँच गए, चलिए यहाँ से हम लोग को ऊपर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस इस जगह से हम लोग को ऊपर जाना है। आपको बता देना चाहता हूँ कि खूंटी से आइएगा सबसे पहले आपको मिलेंगे तोरपा का मंदिर जगह से आपको घुसना है। उसके बाद कमडा मोड़ आना है, कमडा मोड़ से आगे आइएगा तपकरा वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। मैं वीडियो में
क्लियरली मैं बता दिया हूँ। तो वहाँ से आप सीधे आइएगा, सीधे आने के बाद आपको पेरवा घाट वाला रोड मिलेगा, पेरवा घाट से सीधे इस तरफ राइट की ओर आना है, राइट से सीधे आइएगा, कहीं घुसना नहीं है। वहाँ से सीधे आने के बाद आपको ये पांडु पुर्णिंग वाला यहाँ पर बोर्ड मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ से ऊपर यहीं पेड़ के यहाँ पर देख सकते हैं पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, यहीं से हम लोग को राइट से राइट तरफ से जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं लगा हुआ है यहाँ रोड, कच्चा रोड से जाना है। अब चलिए कच्चा रोड से अभी फिलहाल हम लोग जाने वाले हैं उस तरफ पांडु पुर्णिंग की ओर चलने वाले, तो चलिए चलते हैं अभी मैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि पांडु पुर्णिंग वाला रास्ते कच्चे रास्ते में मैं घुस गया हूँ वहाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वहाँ से मैं घुस चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं किस जगह कैसे बनाया हुआ है यहाँ पांडु पुर्णिंग का, पहले मैं कभी नहीं आया, आज पहली बार आ रहा हूँ। देख सकते हैं कच्चा रोड है इस तरफ, फिलहाल अभी नया है इसीलिए पक्का नहीं किया गया है। यहाँ से हम लोग को पीछे सीमेंट का रोड मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये हम लोग को रोड मिल गया। चलिए अब यहाँ से थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर कैसा है। तो गाइज वहाँ से मैं जैसे कि मैंने बताया वहाँ दो पेड़ मिलेगा आपको, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ मिल जाएगा। तो वहाँ से अंदर आना, अंदर आने के बाद आपको थोड़ा अंदर आके यहाँ पर आपको एक पेड़ मिलेगा, यहीं पर चेक नाका बनाया गया जो कि गाड़ी का टिकट यहीं पर कटा जाता है। चलिए यहाँ के सदस्य लोग से मिलते हैं, कौन सा गाँव है और कौन लोग का यहाँ ये पांडु पुर्णिंग का पड़ रहा है यहाँ जल प्रपात, चलो पूछते हैं। मार जोहर, बैस गए? हाँ बैस गए। तो हिंदी पूछ। तो दोस्तों मैं घुस चुका हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं पांडु पुर्णिंग में इस तरफ जंगल के अंदर से जाना पड़ता है, मतलब उतना जंगल नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरफ। देख सकते हैं ये, देख ही पा रहे होंगे किस तरह यहाँ पांडु पुर्णिंग का रास्ता है। चलिए कितना दूर तक अब हम लोग को जाना पड़ेगा, फिलहाल आप लोग बने रहिए वीडियो पे और इस जगह का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को, जो काफ़ी किनारे किनारे आप लोग देख सकते हैं पेड़ किस तरह यहाँ पर काट के यहाँ रास्ता बनाया गया है, जो कि बड़ा गाड़ी अब बस भी अंदर ले आ सकते हैं, अगर परमिशन अगर ऊपर में आपको मिल जाएगा तो इस जगह बस भी लेके आ सकते हैं। मार साहब ओके। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, आप लोग गाड़ी वगैरह देख सकते हैं, बस से कुछ लोग यहाँ अपना पिकनिक के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बस वगैरह और भी गाड़ी यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग को लगता है गाइस यही करना है कि नीचे भी गाड़ी जा सकता है, तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। आप लोग देख सकते हैं कितना नीचे है इस जगह पांडु पुर्णिंग का, ये रहा हम लोग धीरे धीरे उतरते हुए यहाँ पर, और क्या क्या सुविधा है चलिए आपको बताते जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कितना नीचे ही है, और यहाँ आपको अगर खाने की बात करें तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे शायद, चलिए आप पहुँच के ही आपको सारा चीज़ यहाँ का बता पाऊँगा, आगे भी गाड़ी जाएगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गाड़ी यहाँ पर भी पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पर पांडु पुर्णिंग का। तो चलिए हम लोग और भी आगे पता कर लेते हैं यहाँ से कितना ही दूर तक पांडु पुर्णिंग में रास्ता बनाया गया है। इस जगह देख सकते हैं काफ़ी लोग भी अभी पिकनिक मना ही रहे हैं, और लोग ये उस जगह हम लोग कुछ देर में पहुंचने वाले, गाड़ी पार्किंग है वहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग, और देख सकते हैं इस जगह अभी काफ़ी फिलहाल बहुत लोग आ ही चुके हैं। तो गाड़ी पार्किंग के लिए फिलहाल हम लोग इस जगह ही रखेंगे। किस तरफ पांडा पुर्णिंग, पांडा पुर्णिंग हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सदस्य जो कि गाड़ी का गैरेज यहाँ पर देखभाल कर रहे हैं गाड़ी सब। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं जहाँ की पानी गिरता है वहाँ, फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं तो काफ़ी लोग यहाँ पिकनिक के लिए आए हुए हैं, तो उन लोगों का भी नज़ारा आप लोग को दिखाते जाएंगे। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं कि ये नया नया खुला है यहाँ कि पहले से भी है? नहीं पहले, अभी दो साल हो रहा है। दो साल हो रहा है तो यहाँ भाई का कहना है कि यहाँ दो साल हो रहा है फिलहाल, अभी जो यहाँ खुलने के बाद बहुत ही भीड़ होने लगा है। तो चलिए यहाँ का जानकारी आप लोग को देता हूँ थोड़ा सा, तो आगे चलते चलिए आपको दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ समतल जगह पूरा बालू बालू है, यहाँ फिर भी आप देख सकते हैं जो काफ़ी लोग यहाँ पिकनिक पे वगैरह पहुँच चुके हैं, यहाँ पर अपना बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आगे यहाँ से देखते हैं और भी जगह, ऐसा जगह बहुत अच्छा यहाँ देखने को हम लोग को मिलने वाला है, तो चलिए वहाँ पहले चलेंगे फिर वहाँ आपको दिखाएंगे। मार बंद। तो दोस्तों
यहाँ पर भी बता सकते हैं, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी आपको यहाँ बहुत ही अच्छा जगह यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर डांस वगैरह भी कर सकते हैं, अपना खाना बनाने खाना भी बना सकते हैं। देख सकते हैं इस तरफ खाना बन रहा है, जो यहाँ पर आप खाना बना के इस जगह डांस भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से और भी आगे आपको दिखाने वाला, जो कि पानी गिर रहा वहाँ सबसे पहले आपको दिखाने वाला। तो चलिए चलते वहाँ पर सब। तो दोस्तों यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। चलिए आपको इस तरफ से दिखाते उस जगह जहाँ की पानी बह रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो चलिए इस तरफ देख सकते हैं कैसे पत्थर के यहाँ नीचे नीचे से ही जाना पड़ता है। तो चलिए इधर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इस चट्टान के ऊपर से जाना पड़ेगा। वहाँ पर थोड़ा सा सीढ़ी हम लोग को देखने यहाँ से दिख रहा है, तो उसी सीढ़ी से हम लोग ऊपर जाएंगे। फिर ऊपर पहुँच के आप लोगों को वहाँ का जानकारी बताऊँगा कैसी दिखेगा ऊपर से इस जगह का। हो गया तो गाइज मैं फाइनली पहुंच ही गया इस जगह जहां की आप लोगों को यहां से पूरा जगह इस जगह का सीन यहां से दिखा देना चाहता हूं। चलिए आपको दिखाते हैं इस जगह का जहां की पानी उस तरफ से आ रहा है, वहां भी आपको दिखा देता हूं इस जगह से। चलिए यहां का सीन दिखाता हूं एक यहां से, आप लोग एक बार देखिए। नेता दिखा नेता थे अरे नेता थे सलम सर मणि थे। तो दोस्तों ये पांडु पुडिंग का चला था अभी कहा चीजिए पांडुपुंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पांडुपुंडिंग हम लोग पहुंच चुके हैं, और जो कि आप देख रहे हैं ये पांडुपुंडिंग का है। यहाँ इस जगह जहाँ पानी बह रहा है उस तरफ से आ रहा है, काफी लोग ऊपर भी यहाँ पर नहर कुछ लोग पानी मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि पानी बहुत अभी कम है, तो पानी ज्यादा होने हो जाएगा तो बहुत ही यहाँ पर बहने लगेगा। देख सकते हैं इस तो काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पर पांडु पुंडिंग में आप यहाँ देख सकते हैं इस चट्टान के ऊपर से आप। तो थोड़ा सा आपको करीब से भी यहाँ का पांडु पुंडिंग का दिखाता हूँ। चलिए आपको सामने से भी तो आपको दिखा देता हूँ। चलिए आइए। तो गाइस अभी सबसे हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं ये मेरा दोस्त जो कि ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया। तो सबसे हम लोग ऊपर अभी जाएंगे उस जगह से, जो कि काफ़ी लोग वहां से उतर रहे हैं, उसी जगह से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। या तो देख सकते हैं गाइस वहां हम लोग जाएंगे सबसे ऊपर, वहां पर देख पा रहे होंगे उस चट्टान से आपको वीडियो दिखाएंगे इस तरफ, जो कि नीचे की ओर आप लोग को दिखाऊंगा इस तरफ। चलिए सबसे पहले हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं, वहाँ पर किनारे पे बनाया गया उसी पे हम लोग चढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पांडु पुंडिंग में यहाँ जैसे कि हम लोग ऊपर आ चुके हैं, देख पाते हैं ये सबसे हम लोग ऊपर आ चुके हैं फिलहाल, और ऊपर जाएंगे इस तरफ से जाने के लिए बनाया गया है। यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, यहाँ से ये जो जाने के लिए इधर इस तरफ बनाया गया है ऊपर से। तो फिलहाल हम लोग इस तरफ से जाएंगे, यहाँ से भी जाने के लिए बनाया गया है। देख सकते हैं किस जगह कैसे बनाया है। ये रहा जाने के लिए जो ऐसे बनाया है। तो गाइस हम लोग और ऊपर जाना है यहाँ से। तो गाइस सबसे ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ से आप लोग सीन देख सकते हैं किस तरह है यहाँ।
ये जो नीचे की साइड दिखा रहा हूँ देख सकते हैं ये नीचे क्या साइड है। चलिए आपको झूम करके हल्का दिखा देते हैं, ये रहा, तो दोस्तों यहाँ से नीचे भी थोड़ा सा हम लोग उतर लेते हैं। यहाँ जो कि पानी बह रहा है उस जगह आपको दिखाते हैं पांडु फोल्डिंग में, ये रहा जो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी लोग नीचे में हैं अभी फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं। ये रहा देख ही पा रहे होंगे, और पांडु पुंडिंग में ये जो पानी बह रहा है ये इस तरफ है, ये जो आप देख पा रहे होंगे इसी तरफ है, यहाँ इस तरफ से पानी आ रहा है। गाइस आप लोग को बता दूँ तो पांडु पुंडिंग में इस तरफ से पानी आ रहा है, जो कि वहाँ पर आपको दिखा देते, ऊपर से दिखाएंगे आप लोग को, इस जगह से पानी बहता हुआ इस तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं इस तरफ से यहाँ पानी बहुत ही ज़्यादा बहाव से नीचे जाता हुआ उस तरफ जा रहा है, देख पा रहे होंगे, और काफ़ी लोग यहाँ देखने के लिए बहुत उस तरफ से आ ही रहे हैं। फिलहाल चलिए आपको झूम करके हल्का दिखा देते हैं, और जिस तरफ से मैं आया था वो इस तरफ है, जो कि इस तरफ से ही नीचे आया था। चलिए आपको झूम, ये देखिए पांडु फोल्डिंग का ये नदी है, जो कि पानी बहुत ही ज़्यादा बहाव में बहता हुआ आप लोग देख सकते हैं, और कुछ लोग उस तरफ से ही अपना पांडु फोल्डिंग में आके अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पांडु फोल्डिंग में जो कि आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये जो यहाँ नदी है इसी जगह से ही पानी बहता हुआ उस तरफ जा रहा है, जहाँ सबसे ऊपर आ चुके हैं जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सबसे ऊपर है, उसके बाद वो नीचे तीन जगह ऐसे बह रहा है पानी, तीन जगह जो देख पा रहे होंगे। तो चलिए इस तरफ से तो आप लोग ने देख लिया, अब उस साइड से आपको दिखाऊंगा। फिलहाल देख सकते हैं मेरा दोस्त वहाँ गया है फ़ोटो खींचने के लिए, वहाँ नीचे आप नहीं जा सकते, फिलहाल दूर से ही आप फोटो वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ से चलिए अब उस तरफ जाएंगे, वो देख पा रहे होंगे उस नीचे की ओर जाएंगे, जो काफ़ी लोग उस तरफ भी अभी नीचे उतर चुके हैं। तो चलिए नीचे साइड चलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं जो कि यहाँ नीचे आप लोग को दिखाया, उसके बाद हम लोग ऊपर आ चुके हैं इस तरफ, जो अभी आप लोग को दिखा रही है ऊपर का साइड है, ऊपर साइड है, यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा पानी बह रहा है, बहुत ही देख पा रहे होंगे, ये रहा देख सकते हैं पांडु फोल्डिंग में ऐसा ही पानी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी ऊपर से इस तरफ जा रहा है, देख सकते हैं इस साइड देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेल्फी लेना यहाँ पर मना है, देख सकते हैं इस जगह से सेल्फी लेना मना है, ताकि इसलिए यहाँ की बहुत ही गड्ढा है इस जगह, देख पा रहे होंगे, और इसी जगह ही बहुत ही पानी बहुत तेज बहाव बह रहा है इस जगह। चलिए आप लोग देख ले होंगे, और इस तरह पीछे की नज़ारा अगर आपको दिखा है तो यहाँ से आपको देख सकते हैं, यहाँ से जो कि बहुत ही दूर नज़ारा है इस जगह का। तो चलिए आप लोग को यहाँ का सीन देख लिए होंगे, और आगे का आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए गाइस और हम लोग को और एक अच्छी जगह देखने को मिल जाएगी इस पांडु फोल्डिंग में, और एक जगह देखने को मिलेगी, चलिए कुछ देर में आप लोग वहाँ दिखाऊँगा, देख सकते हैं ये रहा, चलिए आप लोग को बढ़िया सबसे अच्छा जगह दिखाता हूँ, तेरी झलक, ये रहा चट्टान के ऊपर से जाना पड़ता है, यहाँ देख पा रहे होंगे हम तो नमोन की कुड़ी आरबे से कुड़ा कुना घोड़ो, हाँ गेंग रे पोड़ो कर
बहुत ही नानसाफी। भैया मैं जरा चावज लड़का भैया के कर दे। तो यहाँ पर भी आप गाइस देख सकते हैं, ये सबसे जहाँ भी सबसे ऊपर यानी कि जहाँ की आपको दिखाया उस जगह से हम लोग ऊपर आ चुके हैं। इस तरफ से आए थे, देख सकते हैं ये पीछे का साइड है, ये जो कुछ लोग नज़र आ रहे हैं ये पीछे का साइड जो जिस तरफ से हम लोग आए थे। तो चलिए आप यहाँ का भी एक नज़ारा बहुत ही अच्छा है इस जगह का, देख सकते हैं ये पांडव पुंडिंग का है, देख सकते हैं वहाँ पानी बह रहा है। चलिए आपको करीब से दिखाते हैं और भी अच्छा लगेगा। चलिए देख बने रहिए। देख सकते हैं ये रहा, ये जो आप देख पा रहे होंगे पांडु फंडिंग का है जो कि सबसे ऊपर यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उस तरफ से भी पानी आ रहा है। चलिए आपको झूम करके हल्का आपको दिखा देते हैं इस जगह। अगर पांडु फंडिंग की बात करें तो हर जगह चट्टान के ऊपर से पानी गिरता हुआ ही आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये रहा एक जगह, जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया उस जगह देख पा रहे होंगे, ये जो चट्टान से ऊपर से पानी गिरता हुआ वहाँ भी देख सकते हैं। और इस तरफ यहाँ भी आप काफ़ी बहुत ही अच्छा यहाँ नज़ारा लग रहा है इस जगह का। और यहाँ की बात करें तो किनारे किनारे से आपको जंगल देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ का, और देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस जगह का। देख सकते हैं और यहाँ का पानी बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है इस जगह का। तो यहाँ से बात करें तो इस जगह से आपको दिखा देते हैं नीचे की ओर, ये देख सकते हैं आप नीचे की साइड है और वहाँ से आपको झूम करके दिखाते हैं। बहुत ही दूर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर छोटे छोटे हर कोई नज़र आ रहे हैं। चलिए गाइस यहाँ का तो आप लोगों ने सीन देख लिए होंगे सबसे, अब हम जाने वाले हैं नीचे की ओर। यहाँ का तो आप लोग देख लीजिए पूरा किस तरह है। पांडुपुंडी बहुत ही अच्छा जगह है, एक बार आप लोग घूमने ज़रूर आइएगा इस जगह का। तो चलिए यहाँ का देख लिए आप लोग। तो गाइस खुट्टी से पांडुपुंडिंग तो आप लोगों ने देख लिया, पांडुपुंडिंग का कैसा है वहाँ, कैसा बहुत ही लोग वहाँ आप लोगों ने देखा। तो रोड भी मैंने अच्छी तरीका से यहाँ लोकेशन बता दिया, तो आइए आप लोग को बहुत ही अच्छा लगता है, एक बार देखने जरूर आइए पांडुपुंडिंग का। तो गाइस ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और पहली बार मेरा चैनल पा रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, जब भी मैं नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो में इतने, अगली वीडियो में मिलते हैं।